हेलो नमस्ते, कैसे दोस्तों आप सब लोग? सो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, हमारे चार धाम की यात्रा पूरी हुई और हमारे चार धाम की यात्रा की जो वीडियो हमने अपलोड किए थे, आप सब लोगों ने उसे देख के बहुत ही अच्छे से इंजॉय भी किए होंगे। बट आप सब लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं इस यात्रा को लेकर, जो कि क्लियर नहीं हुए हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। हम यात्रा में कुल कितना खर्चा आया, हमने अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएं, हमने कार कैसे मैनेज किए, इत्यादि बहुत सारे आपके डाउट्स है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, साथ में एक नोट पैड भी लेकर बैठिएगा ताकि आप नोट भी करते जाइए कि हमने कितने खर्चे कहाँ कहाँ पे किए। लास्ट में आपको पूरा टोटल डिटेल्स मालूम हो जाएगा और हमारे खर्चे देखकर आप भी जो है अपने चारधाम यात्रा को किस तरह से मैनेज करके किस तरह से फिर स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी आप जान पाएंगे। और वीडियो के लास्ट तक हम बताएंगे कि सबसे कम खर्चे में आप कैसे इसका यात्रा कर पाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चार धाम यात्रा के लिए सबसे पहले हमें हरिद्वार जाना पड़ता है। बता दें, हम रहते हैं बनारस, तो बनारस से हरिद्वार हमें जाना हुआ। तो बनारस से हरिद्वार के लिए हमने ट्रेन थर्ड एसी के बुक किए थे। तो जो हमारा ट्रेन का जो किराया था, वो दोनों साइड का, आने और जाने का, दोनों साइड का मिला के कुल खर्चा आया था लगभग 8,000। तो थर्ड एसी का किराया 8,000। बता दें, बनारस से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए ट्रेन चलती है, लेकिन चूंकि हम काफ़ी लेट अपनी बुकिंग कराए थे, इस वजह से हमें प्रयागराज और सुबेदारगंज से होकर जाना पड़ा, इसलिए हमें ट्रेन भी चेंज करने पड़े थे। बनारस से हरिद्वार के लिए चलती है देहरादून एक्सप्रेस। तो आप अपनी यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो तीन से चार महीने पहले ही अपनी बुकिंग करा लीजिए। हम लास्ट में कराए, इस वजह से हमें इस तरह से रूट बदल के जाना पड़ा, इसलिए हमारा थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया। वैसे अगर राउंड फिगर बताएं, अगर आप सही समय पे भी अगर आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन करा लेते, तब भी आपको लगभग 6 से 7 हज़ार खर्चे पड़ जाते ट्रेन के। तो टोटल हमारा यहाँ से हरिद्वार आने जाने का जो खर्चा था वो था 8,000। हरिद्वार लगभग 12 बजे तक हम पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर हम वहाँ पर होटल लेते हैं। तो जो हमारा होटल का जो खर्चा था वो एक नाइट का 1,500। तो वहाँ पे हमने एक दिन के लिए ही बस होटल लिए थे, इसलिए वहाँ पे हमें एक दिन केवल 1,500 खर्च करना पड़ा। उसके बाद होटल लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम आराम करते हैं, हर की पौड़ी में स्नान करते हैं, फिर शाम को वहीं पर हम ट्रेवल एजेंसी से बात करते हैं। बता दें, जब आप हरिद्वार पहुँच जाइएगा तो वहाँ पर आप हर की पौड़ी में स्नान कीजिए, वहाँ के मार्केट वगैरह देखिए और शाम को वहीं पर आप जो है बहुत सारे जो है ट्रेवल एजेंसी हैं, तो किसी भी ट्रेवल एजेंसी से जाके आप बात कर सकते हैं और अपने चार धाम यात्रा के बारे में बता दीजिए। और वहीं पे होती है रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है, एक होती है फ्री। तो जो फ्री रजिस्ट्रेशन होती है वो सरकारी वहीं पे ऑफिस है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो हम वहाँ ना जाके जो ट्रेवल एजेंसी है वो ही रजिस्ट्रेशन आपका करवा देते हैं। लगभग एक व्यक्ति का 100 से 200 रुपये लेते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता लेकिन आसानी से हो जाता है। इसके लिए आपको भाग दौड़ या कहीं भी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने जिस ट्रेवल एजेंसी से बात की थी वह था रुद्राक्ष ट्रेवल एजेंसी। तो हमने चूँकि हमारी जो चार धाम यात्रा का जो पूरा समय लगने वाला था वो था 10 दिन, तो 10 दिन का जो खर्चा था वो था 34,000। तो ट्रेवल एजेंसी से आप बात करें, किसी भी ट्रेवल एजेंसी से बात करेंगे, राउंड फिगर आपको इतना ही लगभग सभी लोग बताएंगे, कहीं से 200-400 का बस अंतर आता है और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो चूँकि हमारी 34,000 इसलिए आई थी क्योंकि हमने एक पर्सनल अपने लिए ही गाड़ी बुक किए थे। वहाँ पे अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो शेयरिंग में काफ़ी कम हो जाता है। शेयरिंग में एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 6 से 8 हज़ार आता है, 10 दिन का किराया एक व्यक्ति का। हम 3 लोग थे तो हमने एक कार अपने लिए पर्सनल बुक की क्योंकि हमें काफ़ी दिक्कत होती है इस तरह से बस और शेयरिंग में, मतलब चलने में हम आराम से जाना चाहते थे और जहाँ हमारी इच्छा होती वहाँ पे हम रुक सकते थे जब अगर हम पर्सनल लेते हैं। तो हमारी जो पर्सनल जो है कार का जो 10 दिन का खर्चा था वो था 34,000, उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन भी ऐड था, ट्रेवल एजेंसी वाले ने हमारा रजिस्ट्रेशन का भी ऐड था। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें केवल अपना आधार कार्ड देना होता है, तो जितने मेंबर जा रहे हैं उनके आधार कार्ड आप हमेशा अपने साथ रखिए, तो उस आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद 34,000 रुपये हमने ट्रेवल एजेंसी को पेमेंट किए। उसमें कोई भी आपको बाद में एक्स्ट्रा कोई ड्राइवर को कोई पार्किंग का खर्चा नहीं है, कोई ड्राइवर के लिए खाना नहीं है, कोई चाय कोई नाश्ता, आपको कुछ भी नहीं करना है, वो सारा उसमें इंक्लूड होता है। तो हमारी जो है ट्रेवल के लिए 10 दिन का वो हो गया 34,000। तो हरिद्वार से हम निकलते हैं अपनी पहले धाम यात्रा के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं बाड़कोट। देहरादून मसूरी से होते हुए हम बाड़कोट जाते हैं, बाड़कोट वहीं पे हम रुकते हैं। वहाँ पे 2 नाइट के लिए
होटल लेते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर यमुनोत्री जो है पहली धाम पड़ती है, वहाँ आपको 2 नाइट लग जाता है। तो हमने जो बाड़कोट में होटल लिए थे वो 1100 रुपये का पर नाइट का था, तो हमने 2 नाइट के लिए होटल लिए थे, तो हो गया हमारा जो है 2 नाइट के लिए 2200 रुपये। इसके बाद हमारी पहली धाम की यात्रा यमुनोत्री की पूरी होती है, फिर हम बाड़कोट से अगले दिन निकलते हैं उत्तरकाशी के लिए। बता दें उत्तरकाशी पहुँचते पहुँचते भी हमें शाम हो जाती है, तो उत्तरकाशी में हम रुकते हैं वहाँ भी 2 रात के लिए, वहाँ से हमें गंगोत्री धाम के दर्शन करने होते हैं। तो ये उत्तरकाशी पहुँच के हमने जो होटल लिए थे वो 1 नाइट के लिए उसका किराया था 1000 रुपये, तो हम 2 नाइट के लिए थे तो 2 नाइट का जो किराया है वो हो गया 2000 रुपये। 2 धाम की यात्रा पूरी करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने तीसरे धाम केदारनाथ के लिए। तो बता दें केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं सोनप्रयाग। तो उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 260 से 280 किलोमीटर है, तो हमें सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते ही अंधेरा हो जाता है। तो सोनप्रयाग पहुँचने के बाद हम वहाँ पे 1 नाइट के लिए होटल लेते हैं जिसका किराया था 1500। तो अगले दिन हम जो है फिर निकल जाते हैं, अपना होटल छोड़ देते हैं और फिर निकल जाते हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड से होते हुए हम चले जाते हैं केदारनाथ जी दर्शन करने के लिए। तो बता दें हम जब होटल छोड़ते हैं तो उस वक्त हमारी जो लगेज वगैरह होती है हम वही होटल में जमा कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम केदारनाथ जाएंगे तो 1 नाइट हमारा बेकार जाता है, वो नाइट हमारी वहाँ केदारनाथ में होती है, तो इसलिए हमें होटल छोड़ देना पड़ता है, नहीं तो फिर उसका हमें एक्स्ट्रा किराया देना पड़ता। तो अपनी लगेज जमा कर देते हैं, तो लगेज जमा करने का 100 से 150 रुपये वो लेते हैं एक बैग का, तो हमने अपने बैग वहीं पे जमा कर दिए। उसके बाद फिर हम चले गए केदारनाथ। तो केदारनाथ पहुँचते हैं वहाँ हमें शाम हो जाती है, तो वहाँ पे हम टेंट लेते हैं, तो वहाँ पे जो हमें टेंट मिला था वो हमें मिला था 500 रुपये का। हम बड़े टेंट नहीं लिए थे वहाँ पे, अगर बड़े टेंट लेते हैं तो वहाँ पे बेड के हिसाब से आपको किराए पे करने पड़ते हैं, जैसे 300, 400, 500 इस तरह से। हम 3 लोग थे तो हमने एक छोटा सा टेंट ले लिए, वो 500 रुपये का, वो हमें काफ़ी सेफ लगा, इसलिए हम अपने लिए एक छोटा सा ही टेंट ले लिए थे, तो वो 500 रुपये में था। अगले दिन फिर हम केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं और फिर वापस आते हैं। वापस आते आते सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते हमें फिर रात हो जाती है, तो हमने जिस होटल में बैग जमा किए थे वहीं से फिर हम एक कमरा वहीं पे फिर ले लेते हैं, तो वो भी हमें 1500 में उस दिन भी हमें एक कमरा मिल गया। तो कुल मिला के सोनप्रयाग में हमें 2 नाइट रहना पड़ा जिसका कि किराया एक दिन का 1500 था, तो 3000 हमें होटल का देना पड़ा और 500 रुपये हमें ऊपर श्री केदारनाथ जी का देना पड़ा। तो दोस्तों अपनी 3 धाम की यात्रा पूरी करने के बाद फिर हम निकलते हैं अपने 4थे धाम श्री बद्रीनाथ के लिए। तो सोनप्रयाग से श्री बद्रीनाथ की भी दूरी 200 से 220 किलोमीटर की है, वहाँ पहुँचते पहुँचते भी आपको अंधेरा हो जाएगा। हम वहाँ पे रात को 8:30 बजे पहुँचे थे, वहाँ पहुँचने के बाद भी हमने वहाँ पे होटल लिए, होटल भी हमें वहाँ पे 1500 रुपये में मिल गए थे, 1800 रुपये में मिले थे। बद्रीनाथ में जो हमें होटल मिले थे वो मिले थे 1800 रुपये में, वहाँ पे 1 नाइट के लिए ही होटल लेते हैं, तो 1 नाइट का 1800 रुपये हम वहाँ पे किए। अगले दिन फिर हम श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन किए और फिर वहीं से माना गांव घूमे और उसके बाद फिर वहीं से हम रिटर्न हो लिए। दोस्तों 4 धाम की यात्रा कंप्लीट करने के बाद फिर हम वापस हरिद्वार आते हैं। तो बता दें बद्रीनाथ से डायरेक्ट हम हरिद्वार नहीं आ पाएंगे, दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो जहाँ भी रास्ते में अंधेरा हुआ वहीं पे रुक जाते हैं। तो हम जब वापस आ रहे थे तो हम चमोली जब पहुँचे थे तो वहीं पे हमें अंधेरा हो गया और वहीं पे हम एक होटल लिया और वहीं पे रुक गए। तो जो हम होटल लिए थे वो हमें पड़ा था 600 रुपये में, तो वहाँ 1 नाइट के लिए ही बस रुकते हैं, क्योंकि हमें फिर वापस अगले दिन दम सुबह ही निकलना पड़ता है हरिद्वार के लिए। तो 600 रुपये में वहाँ हमें लास्ट वाला होटल 600 रुपये में पड़ा, तो वहाँ पे हम लेते हैं होटल और रुकते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन हम बहुत ही सुबह निकलते हैं और 5 प्रयाग देखते हुए हरिद्वार आ जाते हैं ऋषिकेश होते हुए। तो हरिद्वार हम पहुँचते हैं रात को 10:30 बजे, तो वहाँ पे हम होटल लेते हैं और फिर रुकते हैं। तो वहाँ पे जो लास्ट दिन हमें होटल मिला वो मिला था 1800 रुपये में। तो इस तरह से हमारे 10 दिन की जो यात्रा थी वो पूरी कंप्लीट होती है, और आपने मुझे यकीन है कि आप सब नोट कर रहे थे, तो अभी हमने केवल आपको ट्रेवल के और होटल के ही खर्चे बताए हैं। अब बता दें हमारे जो 10 दिन का जो हम जिस धाम पर गए थे वहाँ पे जो दर्शन वगैरह का क्या मतलब खर्चे थे, तो बता दें यमुनोत्री में दर्शन का कोई खास खर्चा नहीं था, वहाँ सिर्फ प्रसाद के ही खर्चे थे। प्रसाद आपको 50, 100, 200 में जैसा आप प्रसाद लेना चाहे वैसे आप ले सकते हैं, बस वहाँ पे प्रसाद के खर्च लगते हैं। गंगोत्री धाम में भी आपको प्रसाद के ही खर्चे लगते हैं। गंगोत्री धाम मैदानी क्षेत्र में थोड़ा पड़ता है, इसलिए वहाँ भीड़ बहुत होती है, तो वहाँ पे कभी कभी वीआईपी लाइन भी लगते हैं।
अगर आपके पास समय है तो आप जनरल लाइन में लग के आराम से दर्शन कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो वहाँ पे एक VIP लाइन लगती है, जिसमें एक व्यक्ति का टिकट का खर्चा होता है 350 से 400 रुपये। तो इस हिसाब से आप जितने पर्सन हैं, अगर आप VIP लाइन लगते हैं तो आपके खर्चे वहाँ पर बढ़ जाएंगे। वहाँ पर भी प्रसाद का कुछ खास खर्चा नहीं है, वहाँ पर 100-200 रुपये ही प्रसाद के होते हैं। तो आप जैसे सक्षम हो उस हिसाब से आप प्रसाद के पैसे उतने के आप प्रसाद लेके चढ़ा सकते हैं। रह गई आपके VIP लाइन की, तो हम वहाँ पे VIP लाइन में लग के दर्शन किए थे, जहाँ पे कि हमें 700 रुपये हम पे किए थे, तो उस हिसाब से हमारा 700 रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पे करना पड़ा हमें। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हमें वापस लौटना था, इस वजह से हम वहाँ पे VIP लाइन में लग के दर्शन किए थे। अब बात आती है तीसरे धाम की, तो बता दें श्री केदारनाथ में भी प्रसाद बहुत महंगे नहीं हैं, वहाँ भी आपको 200 से 250, 300 में प्रसाद मिल जाएंगे। और दर्शन करने के लिए वहाँ पे भी दो सिस्टम है, एक है आप जनरल लाइन में लगिए, दूसरा है VIP। अब वहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप VIP लाइन में लगिए, और नहीं तो ऐसे आप जनरल में दर्शन कर लीजिए। VIP लाइन का खर्चा एक व्यक्ति का 1100 से 1200 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे आप जैसे आपको सक्षम हो उस हिसाब से आप दर्शन कर सकते हैं। हम जनरल लाइन में लग के दर्शन किए थे, इसलिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा वहाँ पे नहीं किए थे, सिर्फ वहाँ पे हमारा प्रसाद का खर्च लगा था। अब बात आती है दोस्तों चौथे धाम की, श्री बद्रीनाथ की, तो बता दें बद्रीनाथ में भी प्रसाद 200 से 250, 300 में मिल जाते हैं। वहाँ पे VIP का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सभी को एक लाइन में लग के ही दर्शन करने पड़ते हैं, चाहे कितनों में भीड़ हो। तो बहुत ज़्यादा ये प्रसाद का या दर्शन का खर्चा नहीं आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे दर्शन और प्रसाद के खर्चे। अब रह गए हमारे जो खाने के खर्चे। हम 14 दिन तक बाहर थे और हमने 14 दिन तक बाहर ही खाना खाया। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हमारे खाने पर कितना खर्च हुआ। तो हरिद्वार में हम 2 दिन थे, तो हरिद्वार में जो खाने का खर्च था वो थाली, नॉर्मल थाली लगभग 100 से 150 रुपये। अगर आप थोड़े से अच्छे होटल में जाते हैं तो वहाँ आपको 100 से 150 रुपये थाली के पे करने पड़ते हैं, और आपको नॉर्मल थाली मिल जाती है जिसमें 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, चटनी, अचार मिलते हैं। वैसे अगर आप ऐसे बहुत सारे वहाँ पे दुकान और होटल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ पे कि 50 से 60 रुपये थाली भी मिलती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के होटल का चुनाव करते हैं। उसके बाद फिर गंगोत्री में भी सेम यही खाना था, यमुनोत्री में भी सेम यही था। हमारे जो खाने का खर्चा बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है श्री केदारनाथ में। केदारनाथ में चीज़ें बहुत महंगी है, वहाँ चढ़ाई करते समय वहाँ 30-20 रुपये का बोतल, 50 रुपये, 60 रुपये, और सबसे टॉप पे जाने के बाद 80 रुपये में मिलते हैं मैगी, 60 रुपये, मतलब हर चीज़ 3 गुने से 4 गुने दाम में हो जाती हैं। तो वहाँ हमारा खर्चा जो है बढ़ जाता है। तो केदारनाथ में हमारा खाने पर लगभग 3000 रुपये खर्च होते हैं, और वैसे अगर हम नॉर्मल बात करें 11 दिन की, तो पर डे का हमारा 900 रुपये लगभग दोनों टाइम का मिला के नाश्ता खाना का खर्च लगभग पड़ रहा था। तो इस तरह से आप 11 दिन 900 रुपये के हिसाब से 11 दिन का जोड़ लीजिए। तो चलिए अब सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके ही बताते हैं एक कॉपी पर कि हमारा कुल कितना खर्चा आया। फिर चलिए दोस्तों सारी चीज़ों को हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये है ट्रेन का, तो ट्रेन के आने जाने का जो कुल खर्चा है वो है 8000। उसके बाद 10 दिन का जो हमारा ट्रेवल एजेंसी से बुक होती है ट्रेवलिंग के लिए, वो होती है 34000 रुपये। तो ये हो गए 34000। उसके बाद हरिद्वार में जो है हम पहली रात रुके थे, उस दिन हमें 1500 रुपये पे करना पड़ा। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं बाड़कोट हम 2 नाइट के लिए रहते हैं, तो वो 2200 रुपये पड़ा होटल का किराया। उसके बाद फिर उत्तरकाशी भी 2 रात के लिए रुकते हैं, वहाँ हम 2 रात के लिए 2000 दिए होटल। उसके बाद हम सोनप्रयाग में भी 2 नाइट के लिए रहते हैं, तो 1500 रुपये के हिसाब से वहाँ भी हम 3000 रुपये पे करते हैं। उसके बाद फिर चले जाते हैं केदारनाथ, केदारनाथ में हम टेंट लेते हैं और वहाँ हम 500 रुपये पे करते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जो होटल किराया था वो था 1800 रुपये। अब बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद जब हम लौटते हैं तो चमोली रास्ते में हम 600 रुपये में होटल लेते हैं। अब चमोली के बाद फिर जब हम वापस हरिद्वार आते हैं तो हमें हरिद्वार आते हुए रात हो जाती है, तो उस दिन हमें जो होटल मिला था वो मिला था 1800 रुपये में। इस तरह से हमारा ये हो गया होटल का और हमारे ट्रेन का खर्चा और हमारा ट्रेवल एजेंसी का। उसके बाद फिर जो हमारा खाना का कुल खर्चा था वो केदारनाथ में केवल लगभग 3000 रुपये हमारे खर्च आए थे उसके। उसके बाद फिर हमने जो 11 दिन बाकी दिन जो हमने खाना खाए थे वो 900 रुपये पर डे के हिसाब से हमारा 9900 रुपये, इस तरह से हमारे खाने का खर्चा आता है। उसके बाद जो हमारा पूजा और प्रसाद था वो कुल मिला के 2000 रुपये का हमारा पूजा प्रसाद होता है। चार धाम के अलावा भी जो बहुत सारी मंदिरें थे वहाँ भी हमने दर्शन और पूजा किए थे। तो इस तरफ से ये सारे जो है खर्चे इंक्लूड है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब उसके बाद फिर अब इन्हें हम जोड़ते हैं, इन्हें जोड़ने के बाद हमारा जो आता है कुल खर्चा, बाद हमारा जो कुल टोटल खर्चा आता है वो आता है लगभग 85000।
तो हमारी ये जो चार धाम की जो यात्रा में जो कुल खर्चे हुए थे वो 85,000, ये कुल राउंड फिगर, ये मोटा मोटा खर्चा है। अगर कुछ छोटे मोटे अगर और खर्चे जोड़ दिए जाएँ तो कुल मिला के 1,000-1,200 रुपये इसमें और भी ऐड हम कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे जो है चार धाम यात्रा में कुल लगभग 85,000 से 86,000 रुपये खर्च हुए हैं। कुछ ऐसे छोटे मोटे खर्च हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं हैं, बट ये इतने खर्चे हमारे इस वजह से हुए क्योंकि हम जब गए थे चार धाम यात्रा में वो था ओपन सीजन, मई जून का महीना जो है वो होता है ओपन सीजन, वहाँ पे होटल और खाना और जो ट्रैवलिंग का खर्चा जो है वो बहुत महंगे हो जाते हैं। ये खर्चे कम आपके हो जाएंगे जब आप ऑफ सीजन में जाएंगे। सितंबर अक्टूबर का महीना ऑफ सीजन माना जाता है, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में जब आप जाते हैं तो आपके ये जो खर्चे हैं ये बिल्कुल आधे हो जाते हैं। दूसरी बात ये थी कि हमने जो ट्रैवलिंग का जो खर्चा था वो हमारा इस वजह से ज़्यादा हुआ क्योंकि हमने पर्सनल लिए थे। अगर हम शेयरिंग में जाते तो ये भी खर्चे हमारे कम हो जाते हैं। शेयरिंग में लगभग एक व्यक्ति का 6,000 से 7,000 खर्च था, उस हिसाब से अगर 7,000 माने तो 7×21,000 रुपये हमारे पड़ते। वैसे हमने 34,000 पे किए थे, वो हम 21,000 ही में हमारा हो जाता, तो इस वजह से हमें थोड़े और महंगे पड़े। ओपन सीजन में एक दिक्कत और भी होती है दोस्तों कि मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बच्चों की छुट्टी होती है और सभी लोग गर्मियों से परेशान होते हैं, तो इस वजह से लोग वहाँ पिकनिक मनाने और दर्शन करने ज़्यादा जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हमने काफ़ी भीड़ का सामना किए हैं, हम बड़े धक्का मुक्की करके श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, तो इस वजह से अगर आप इससे भी बचना चाहते हैं तो आप सितंबर अक्टूबर महीने में ही जाइए। सो आशा करते हैं कि आप लोग को पूरे जानकारी अच्छे से हो गई होगी और हमारे खर्चे के बारे में भी आपको मालूम हो गई होगी। तो अब जब आप प्लान कीजिएगा तो आप प्लान कीजिएगा सितंबर अक्टूबर महीने में, ताकि आपके खर्चे कम हो जाए। और हाँ दोस्तों, इसमें हमने कुछ धाम छोड़ दिए हैं, जैसे हमने त्रियोगी नारायण और तुंगनाथ ये कुछ जगह जो है छोड़ दिए हैं, और गौमुख हम जाना चाहते थे वो भी नहीं गए। हमने चार धाम केवल 10 दिन के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराए थे, हमारी जो है कुल टूर का पैकेज वो 14 दिन का था। अगर हम तुंगनाथ जाते तो हमारे एक दिन और बढ़ जाता और हमारे ट्रैवलिंग का खर्चा भी बढ़ जाता, तो एक जगह जाने का हमारे ट्रैवलिंग का खर्चा लगभग 3,000 से 4,000 एक्स्ट्रा बढ़ जाता और समय भी बढ़ जाता। त्रियोगी नारायण मंदिर हम जाना चाहते थे, जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव जी की शादी हुई थी, और हम गौमुख भी जाना चाहते थे। गौमुख 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, उसमें लगभग 2 दिन लग जाते हैं और उसके लिए पहले से ही परमिट लेने पड़ते हैं, तो इसलिए जो है कि हम नहीं जा पाएँ। तो अगर आप जाना चाहेंगे यहाँ पे तो आप कम से कम 15 दिन का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिएगा। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप 15 दिन का अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा चार धाम यात्रा के लिए, तब जाके आप इन सब जगहों पर भी जा पाएंगे और इन सब जगहों को भी देख पाएंगे। हमें नहीं पता था, इस वजह से हम नहीं करा पाए, हम केवल 10 दिन का ही रजिस्ट्रेशन करवाए थे, इस वजह से फिर हमें वापस आना पड़ा। तो खैर चलिए, फिर नेक्स्ट टाइम हम प्लान बनाएंगे तो वहाँ ज़रूर जाएंगे। पूरी डिटेल जानकारी आपको बढ़िया से मिल गई होगी, तो अब आप जो है किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और एकदम सही सही अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि हमने जो है प्रैक्टिकली चीज़ें करके आपको बताई हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से सुन के हमने आपको सारे खर्चे वगैरह सब बता दिए हैं, हमने जो इतने दिन ट्रेवल किए थे, हमारे जो खर्चे हुए थे, हम एकदम रियल आपको खर्चे बता दिए हैं, तो इस हिसाब से आप भटकेंगे नहीं और आप कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, कोई डाउट्स नहीं रहेगा आपको, और आपके सारे डाउट्स आज क्लियर भी हो गए होंगे इस चार धाम को लेकर। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस चलते रहते हैं कि 3,000 में यात्रा कर लीजिए, 4,000 में आपके यात्रा हो जाएंगे, 10,000 में हो जाएंगे, तो इन सब के चक्कर में मत आइए भैया। हम लोग जो है बहुत सारी यात्राएं कर चुके हैं और हमें अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, कि इनके चक्कर में मत आइए, इनके कहने से आपका नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप जो है पहले पूरा देख लीजिए और फिर आप अपनी चारधाम यात्रा के लिए टूर पैकेज का प्लान कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में। सो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप कोई मतलब आप इससे जो है संतुष्ट हुए कि नहीं, आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई।